हेलो डियर पेरेंट्स, आपका हमारे चैनल हमसफर जर्नी आबिदा में स्वागत है। आज मैं आपके साथ आपके ही घर के छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा सुपर हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप अपने बच्चे को कभी भी किसी भी वक्त बनाकर खिला सकते हैं। और यकीन माने दोस्तों, इस सुपर हेल्दी रेसिपी को अगर आप बनाकर खिलाते हैं बच्चों को, तो उनके वजन बढ़ने में काफी उन्हें मदद मिलेगी। तो इस रेसिपी को मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक कटोरी के अंदर 2 चम्मच के करीब साबूदाना लिया है, उसे हम डाल देंगे। अब इसके अंदर जाएगा पानी, जिससे यह अच्छी तरह फूल जाए। इसे आपको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो एक बार चेक कर लेंगे चलाकर, यहाँ अंडा बॉईल हो रहा है। इसके बाद गाजर के आधे टुकड़े को लेंगे और उसे हम अच्छी तरह से घिस लेंगे। सेम इसी प्रोसेस के साथ हम ये अंडे को भी घिस लेंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने जो लिया है वह है 1/2 कटोरी गाजर, साबूदाना और 1 फुल अंडा। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पैन को गर्म कर लेना है, फिर उसके बाद 1 चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म हो जाने के बाद डालेंगे 1 पिंच जीरा, 1/2 चम्मच लहसुन। अब जो जाएगा वह है गाजर। इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है मीडियम फ्लेम पर। आप लहसुन नहीं डालना चाहते तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे साबूदाना जो भिगो कर रखा था हमने, इसे भी अच्छी तरह से गाजर के साथ पका लेना है। ये देखें फ्रेंड्स, यह थोड़ा थिक होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसी स्टेज पर 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। और थोड़ी सी 1/2 पिंच के लगभग हल्दी भी डालकर अच्छे से सभी को मिलाकर इसका ढक्कन लगा देंगे। तो एक बार चेक कर लेंगे चलाकर, थोड़ा यहाँ अभी और इसे पकने देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। तो यह पक चुका है। तो अब इसी टाइम पर इसमें ये एग जो हमने घिस कर रखा था उसे भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, यह तैयार हो चुका है। तो इसे एक बॉल में निकाल लेंगे और ठंडा करके इसे अपने बच्चे को हम खिलाकर दिखाएंगे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इसे बच्चे बहुत ही स्वाद लेकर खाते हैं। तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए। अभी गाजर भी मार्केट में बहुत ही मिल रहे हैं, तो आप इस रेसिपी को जरूर बना सकती हैं और एक बार जरूर इसे बनाकर अपने बच्चे को जरूर खिलाएं। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।